राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 20 तारीख और आज है करवा चौथ और शाम के बज चुके हैं 5 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो मैं सुबह से आपको मतलब जो मेरा ब्लॉग है वो नहीं बना पाई और अभी भी मेरी थोड़ी तबीयत नासाज़ है, अच्छे से ठीक नहीं है। तो दोस्तों हुआ क्या, मेरा कल से सर में दर्द हो रहा था, ब्लड प्रेशर कम था। भाई मैं आ गया थी, तो मेरा कल से ब्लड प्रेशर कम था तो मैंने गौरव से बोला मेरी दवाई ले आओ, डिस्प्रिन तो वही खा लेती हूँ। तो वो फ़ोन नहीं उठाया उसने। और आज के दिन व्रत था, व्रत शुरू हो गया। और तो मैं सुबह से पानी इतना पीती हूँ उसकी कोई सेवा नहीं है, मतलब बहुत सारा पानी पीती रहती हूँ। और इधर मेरा ब्लड प्रेशर कम कल से ही 100 और 70 के समथिंग है। और फिर मैं पड़ी रही सुबह से पड़ी रही और दर्द यहाँ से कहीं रहेंगे अभी ये हो रहा है। फिर मैं रोला ब्लॉग बना देती हूँ, मुझे थोड़ा सा अनोखा व्रत है भैया। मैं तो अभी सिंपल हूँ, नहा के आई हूँ, बस अभी पूजा वूजा करूँगी। मेरे बाल गोपाल की तो सुबह बहू ने पूजा कर दी थी, मैं नहीं करी और भोले बाबा को नहलाया मैंने अभी। और दवा ब्लड प्रेशर की लेके आई थी तो मैंने दोपहर में धीरे धीरे इसको मतलब सही किया बांध के और उसको धूप वगैरह दे के फिर अभी मैं बांध लूँगी। और करवा चौथ की तैयारी तो थोड़ी सी देर में होगा क्योंकि अभी तो रूबिया वो काम कर रही है, कुछ बना रही है, मैं दूध लेके आऊँगी, उसके बाद में तैयारी करेंगे। वो चांद तो पता नहीं कब तक निकलेगा, आज पता नहीं है। और दोस्तों मेरे को आज ऐसा लग रहा था कि ये शायद मेरा लास्ट करवा चौथ होने वाला है क्योंकि इतनी दिक्कत भाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची, आज इतनी ब्लड प्रेशर लो हो जाता, बड़ी दिक्कत होती है। तो और मेरे गोविंद की वजह से ये हो पाया, मेरे बस में नहीं था। मैं सही बात बताऊँ, मेरे प्रभु की वजह से रटती रही, नाम रटती रही तो मैं ये हो पाया है। इतने शाम के 5 बजे गए दोस्तों, तो शाम तक जो भी है जैसे भी है और हमारी करवा चौथ में दिखाती रहूँगी आपको। और मेरे हस्बैंड ही नहीं है, वो आने वाले थे तो नहीं आए और वो शायद अब दिवाली के बाद ही आएंगे क्योंकि उनकी जो मेडिकल था वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ की जो कल्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगी कि और मतलब गांव में गांव टाइप में जैसे कैसे रहते हैं, एकदम हाई फाई तरीके से नहीं रहते। और फिर मेरे अंदर क्या है कि मैं अपने मतलब सच में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, इसमें मेरे को लगाव और ज़्यादा बनावटी जो चीज़ें होती है मुझे पसंद नहीं है। बस ये सोचना चाहिए हर इंसान को, जो रिश्ता है वो दिल से होना चाहिए और दिल तक बोलते हैं उसमें ना तो बनाव की ना बनावट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले हमारे जो भाभी थी ना, जब हम छोटे थे हमारी भाभी थी तो वही कपड़े रोज़ के कपड़े पहन के मतलब धुले हुए होने चाहिए थे, ऐसे ही व्रत रह लेती थी दोस्तों। पर आजकल थोड़ा नया ज़माना हो गया है तो कुछ बहुत तो बनी रही है पूरे ब्लॉग में दोस्तों। तो मैंने अपनी जो करवा चौथ की तैयारी है वो शुरू कर दी है दोस्तों। और ये देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, चौकी मैंने बिछा दिया है, उस पर चौकी पे कपड़ा भी बिछा दिया है। और रूबी काम कर रही होती है, खाना वाना बना रही होती है, तब तक मैं ये सजाने का सामान रखने का काम पूरा कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, एक कोई खाना बना रहा है तो कोई कुछ काम कर देता है तो उसको इतना पता भी नहीं है कैसे क्या करना है कहाँ रखना है, तो मैं पहले से ही तैयारी करके रख देती हूँ। तो और दोस्तों ये कलश जो है 2 रखते हैं हम यहाँ पे,
अपनी अपनी चौकी पर, और कलश के नीचे हम थोड़ा वो थोड़े से चावल रख के अष्टदल जो कमल होता है उसको निकाल देते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। उसके ऊपर हम दिया रख देते हैं जो करवा मैया के सामने रखा जाता है। तो ये जो दीपक है वो करवा मैया के सामने ही दोस्तों रखा रहेगा और जलता रहेगा। और जो हम लोग दूसरा दीपक जलाएंगे, ये दीपक जो है ये मैंने मंदिर के लिए रखा है, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मंदिर में भी दिया जला के रखती हूँ ठाकुर जी का। तो मेरा सामान और ये देख लिया है मैंने उस पर, मैं ऐसे हमारे यहाँ जो सामान को देने के लिए छिड़कते हैं बोलते हैं, जैसे किसी को देना है, बड़ी सास हो, जेठानी हो या ननद इस बार देखिए मेरी सिंपल सी साड़ी है, देना पड़ता है। मतलब ये मैंने साड़ी देखी है दोस्तों, मैंने इस बार नहीं ली। और ये श्रृंगार है और चांद निकल, मैंने देखा था उस पर गूगल पर तो बता रहे थे कि चांद निकलेगा 8 बजे के समथिंग। तो वैसे तो हमारी तैयारी पूरी हुई है, खाना भी बन चुका है और अब पूजा होनी बाकी है दोस्तों। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, मैं उनको फ़ोन कर लूँगी, उनका वहाँ से भी बदली होगी, जहाँ पे रह रहे थे ना वहाँ से भी बदली होगी। थोड़ी प्रभु जी पता नहीं क्या मर्जी है, वो बोल रहे थे कि मैं तो बस रिजाइन दूँगा और जल्दी आ जाऊँगा। तो जैसे वो पता है आज पूरा दिन भगवान 2 बजे, तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं शाम तक कैसे मैं रह पाऊँगी व्रत, पर मैंने क्या किया, भगवान कहोगे गोविंद गोविंद नाम रटना शुरू कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल में शाम तक मैंने कर पाई, मैंने नहीं करी है सही बात बताओ, भगवान की वजह से ये हो पाया है, इतना व्रत हो पाया। नहीं मैं आज ही ब्लड वगैरह चेक करवा के आई, आज सब कुछ करवा के आज नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों अभी बस पूजा होनी बाकी है। तुम भी जी रहना हो तो ये देखिए सारा सामान आ गया है, और जो करवा है मिट्टी के वो भी मैंने ला के रख दिए हैं, और वो भी आ गई है, और जो हम लोग मैया को भोग लगाने वाले हैं वो भी आ गया है सामान। तो पहले मैं डोली और चंदन से मैया करवा मैया का तिलक कर दूँगी। दोस्तों क्या है कि देखिए मैं अकेली वीडियो शूट करती हूँ और सहयोग के नाम पे अभी कोई नहीं है जो शूट करे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी आपसे। और मतलब पूरा जो वीडियो होता है वो नहीं दिख पाता है, पर पूजा का जो वीडियो वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों रूबी है, मैं हूँ, और ये देखिए वो भी लगा रही है रोली वगैरह, मैंने भी दीप जला दिया है मैया के आगे। और अब ये जो हम जो जैसे किसी को दान करते हैं सामान, तो वो मतलब उसी में से हम एक चीज़ जो मैया को अर्पण करते हैं ना, तो वो ही हम किसी को मतलब सास है, जेठानी है, ननद है, उसको हम दान कर देते हैं। तो ये जो उसमें से ही हम सारा सामान निकाल के करवा मैया को चढ़ा देते हैं। और देखिए जैसे मेहंदी है, सिंदूर है, तो मैं सारी चीज़ें मैया को लगा रही हूँ। जो मैंने लगाया है वो भी वही करवा मैया को, हम जो नया चीज़ है वो करवा मैया को लगाते हैं दोस्तों। तो सारा श्रृंगार ही उनको जो अर्पण होता है, हम लोग 16 श्रृंगार बोलते हैं, तो 16 श्रृंगार उनके लगाया जाता है और वही चीज़ दान कर दी जाती है। तो इधर मैं कर रही हूँ, बगल में मेरी बहू बैठी है वो भी, और बोलते हैं कि सास बहू इकट्ठी नहीं पूछते, इसलिए हम लोग चौकी अलग अलग रखते हैं और एक में ही पूजा नहीं करते दोस्तों। करवा मैया की हमेशा पूजा अलग अलग ही की जाती है, और जैसे मतलब पूजा अलग करो और एक तस्वीर भी हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि सास बहू और बहने कर लेती हैं, सहेलियां कर लेंगी, पर सास बहू नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग दो चौकी रखते हैं।
और ये देखिए अब मैं मेहंदी भी थोड़ी सी मैया की हथेली में रख दूँगी, लगा दूँगी। और मेरे को आती नहीं है दोस्तों मेहंदी रखना, इसलिए मैंने देखिए मैंने आप देख सकते हैं गोल गोल कर लिया हथेली पर, और जो हाथ हैं वो उंगलियाँ हैं वो थोड़े से उन पर लगा लिया है। और वैसे मैं कभी हमारे टाइम पे हम लोग क्या करते पत्ते वाली जो मेहंदी होती थी उसको पीस के रखते थे, और अब तो ये कॉम आती है कॉर्न बोलते हैं उसको रख लेते हैं ऐसे। और ये मेरे को कढ़ाई वढ़ाई नहीं आती है, उसको मैं मैया जी को चूड़ी अर्पण कर रही हूँ मैं, तो उसकी वजह से। और ये हमारी फाइनली पूजा हो गई है, मैया जी को मैंने अर्घ दे दिया है, और अब रह गई है हमारी पूजा छत पे हम लोग करेंगे। और अभी पूजा आप ये सोच रहे होंगे पूजा समाप्त हो गई, अभी नहीं हुई, अभी तो श्रृंगार चढ़ाया है, उसके बाद में हम लोग मैया जी की जो है कथा वो पढ़ेंगे, दीपक जलाए और उसके बाद में जो वो है वो संपन्न होगी। अब देखिए अब मैं कर रही हूँ, अब मैं इसको दिखा रही हूँ रूबी को, मैया पे पहले दिया तो जला, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरी जो बहू है उसके पेट में दूसरा बच्चा है, तो वो कह रही है मम्मी इस दर्द से नहीं बनाना मेरा पेट आ जाएगा। तो इधर से हम वीडियो बना रहे हैं, और जो मैंने जैसे जैसे किया था वो वैसे कर रही है, चूड़ियाँ चढ़ाई, इसने दीपक नहीं जलाया, मैं दीपक ये इसको देख देख के भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि पहले जैसे मैंने किया वो करे, अब जला रही है वो पूरा सामान पहले लगा दिया वो जला रही है, तो ऐसे करके सही है जैसे कर ले उससे सही है। और अब कथा होगी, अब कैसे कि मेरी अभी साल निगाह बहुत कम हो गई है, पिछली बार तो मैंने कथा पढ़ी थी, और हाँ चश्मा वगैरह होता है तो मैं पढ़ लग मैं पढ़ू नहीं तो, और फिर मैंने सोचा कि इस बार इसी को पढ़ने देते हैं रूबी को ही, देखते हैं कथा कैसे बढ़ेगी। ये बोले कि तो अब ये पढ़ेंगी कथा दोस्तों। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के लिए दिन भर भूख प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर कर रोने लगे और जल के मुंह लाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, इस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी तो उसके कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आया। ससुराल से उसने देखा कि उसके पति को मरा पड़ा है, संयोग से वो वहाँ ब्रह्माणी आई और उसने देखकर विलाप करते हुए वीरावती से बोली, हे माँ यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। तो प्रार्थना करते हुए वे बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत किया है, चंद्रोदय अर्घ दे दिया है, यह सब उसी के फल से हुआ है, अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत का वह करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति के विधि पूर्व करो, तब तुम्हारा पुनः पति जीवित होगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरांगदी की विधि पूर्वक 12 माह के चौथ को जय करवा मैया।
अब आओ। तो चलने हैं तो मोई मो आए हैं ना दुनिया। कोई नहीं सही है। हाँ। सीखा है मम्मी? सीख तो मैं ही रखती हूँ। हाँ। चलो मैं उठा लाऊँ। आज तुम सीख लिया हो? कुछ और करे आवेगी माँ। और पूजा नीचे हम लोगों ने करके अब हम छत पे जा रहे हैं और चंद्रमा को अर्घ देंगे और तभी हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है क्योंकि बिना चंद्रमा के बिना उनको फोटो ना गया जी मैंने वीडियो बना दिया कोई जो करवा चौथ की व्रत की जो पूजा होती है वो संपन्न फोटो ना खींचे फोटो खींचो करवा मैया की पूजा भी करनी पड़ती है गणेश जी की शिव माँ और शिव पार्वती की भी करनी पड़ती है और चंद्रमा को चंद्र